हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 9 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एयरो इंडिया 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एयरो इंडिया 2019 का आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु में, और यह कार्यक्रम 20 फरवरी से 24 फरवरी तक 5 दिनों तक चलेगा, और यह घोषणा रक्षा मंत्रालय ने की है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि एयरो इंडिया 2019 का उद्घाटन बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है, में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। और अब एग्जाम्स में विषय बहुत पूछा जाता है, तो अब आपको अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस बार विषय क्या है ये पता होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस बार विषय है लिटरेसी एंड स्किल्स डेवलपमेंट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस बार विषय है लिटरेसी एंड स्किल्स डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदू कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व हिंदू कांग्रेस की शुरुआत हुई है शिकागो में, और यह 3 दिनों तक चलेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7 सितंबर से 9 सितंबर तक ये चलेगी, और इसकी शुरुआत हुई है शिकागो यूएसए में, और इसमें दुनिया भर के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। और इस बार विश्व हिंदी कांग्रेस का विषय है यानी कि थीम है थिंक कलेक्टिवली अचीव वैलियंटली। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। विश्व हिंदू कांग्रेस का इस बार विषय है थिंक कलेक्टिवली अचीव वैलियंटली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे CEA का चयन करने वाले पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान को CEA का चयन करने वाले पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, यही हैं बिमल जालान, और ये अरविंद सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। और यहाँ पर CEA, इसका फुल फॉर्म होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में किसने शूटिंग डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारत के अंकुर मित्तल ने डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, और ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही हैं अंकुर मित्तल। और वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया के चांगवन में आयोजित की जा रही है। इसमें भारत अभी तक 20 पदक जीत चुका है, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक हैं। और अभी मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि हृदय हजारिका ने पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? हृदय हजारिका ने पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है हृदय हजारिका ने। ये मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था, और उससे पहले मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि सौरभ चौधरी ने भी पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और इसके अलावा सौरभ चौधरी ने एशियाई खेल 2018, जो कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया के जकार्ता और पालमबैंग शहरों में संपन्न हुए हैं, उसमें भी सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है, और ये सिर्फ 16 साल के हैं। एशियाई खेलों के इतिहास में ये स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, सरला पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो सरला पुरस्कार दिया जाएगा शत्रुघ्न पांडव को। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं, यही हैं शत्रुघ्न पांडव, और ये ओडिशा से हैं, और इन्हें यह पुरस्कार इनकी कविता संग्रह मिस्र ध्रुपद के लिए दिया जाएगा, और इस पुरस्कार के तहत इन्हें 5 लाख की राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और चेक गणराज्य के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साइप्रस, बुल्गेरिया और चेक गणराज्य
इन तीन देशों की 8 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो पहले ये साइप्रस पहुँचे थे और वहाँ के राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेस से मिलकर इन्होंने 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और उसके बाद ये बुल्गेरिया गए थे और वहाँ के राष्ट्रपति रूमेन रादेव से मिलकर इन्होंने 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और आपको पता होना चाहिए, भारत और बुल्गेरिया के इन 5 समझौतों में एक प्रमुख समझौता ये भी था कि बुल्गेरिया में सोफिया विश्वविद्यालय में हिंदी प्रकाष्ठ की स्थापना की जाएगी। और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चेक गणराज्य पहुँचे हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री एंड्रेज बाबिस से मिलकर इन्होंने 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यहाँ पर बात हुई है चेक गणराज्य की, तो चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, चेक गणराज्य की करेंसी है कोरुना, और चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं एंड्रेज बाबिस। अगला प्रश्न है अली बाबा कंपनी के सह संस्थापक और अध्यक्ष जिन्होंने 54 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट की घोषणा की, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जैकमा। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं यही हैं जैकमा। और इन्होंने ये अलीबाबा कंपनी के सह संस्थापक और अध्यक्ष हैं, इन्होंने अब अलीबाबा कंपनी से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, और अलीबाबा चीन की कंपनी है। अगला प्रश्न है दिलीप ट्रॉफी 2018 किसने जीती है? तो दिलीप ट्रॉफी 2018 जीता है इंडिया ब्लू, इंडिया ब्लू ने इंडिया रेड को हराकर दिलीप ट्रॉफी 2018 जीता है, और यह प्रतियोगिता तमिलनाडु के डिंडीगुल में आयोजित की गई थी। और क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देखते हैं कौन बता पाता है। अगला प्रश्न है सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2018 किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर है रूस। रूस शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2018 करने जा रहा है। यह सैन्य अभ्यास यूराल पर्वत क्षेत्र में किया जाएगा, और यह सैन्य अभ्यास 13 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा। और रूस यह अभ्यास कर किस लिए रहा है? तो रूस इस अभ्यास के जरिए पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। और रूस ने 37 साल पहले 1981 में इतना बड़ा सैन्य अभ्यास किया था जिसमें 1.5 लाख सैनिकों ने भाग लिया था, और अब 37 सालों के बाद रूस फिर से इतना बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। और यहाँ पर बात हुई है रूस की, तो रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी है रूबल, और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, और रूस के प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। अगला प्रश्न है भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2018 आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड में। यह युद्धाभ्यास उत्तराखंड के चौबतिया में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है उत्तराखंड की, तो हम थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्या। और उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं जिम कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और राजा जी नेशनल पार्क। उत्तराखंड के प्रमुख बांध हैं टिहरी बांध, कोटेश्वर बांध, जो कि ये दोनों ही बांध भागीरथी नदी पर बने हुए हैं। उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं चोलिया और पांडव। उत्तराखंड में जिले हैं 13 जिले, लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट है 3। अगला प्रश्न है नेपाल को अन्य देशों से व्यापार करने के लिए अपने 4 बंदरगाहों और 3 भूमि बंदरगाहों का उपयोग करने के लिए किस देश ने अनुमति दी है? तो ये देश है चीन। चीन ने अपने 4 बंदरगाहों और 3 भूमि बंदरगाहों का उपयोग करने के लिए नेपाल को अनुमति दी है ताकि वह अन्य देशों के साथ व्यापार कर सके। यहाँ पर बात हुई है नेपाल की,
तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, नेपाल की राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। और चीन, चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेन मिनबी, चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। अगला प्रश्न है, पहले सर्वभक्षी यानी कि ओमनीवोरस, ओमनीवोरस उन्हें कहते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, तो पहले सर्वभक्षी शार्क प्रजाति का नाम क्या है? तो पहले सर्वभक्षी शार्क प्रजाति का नाम है बोनेट हेड शार्क। शार्क की एक नई प्रजाति का पता चला है जिसका नाम है बोनेट हेड शार्क। इस प्रजाति के शार्क सर्वाहारी होते हैं यानी कि घास फूस भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। इस प्रजाति के शार्क भोजन का 80% हिस्सा समुद्र के अंदर के घास फूस को खाकर मिटाते हैं और इस प्रजाति के शार्क मैक्सिको की खाड़ी और पश्चिमी अटलांटिक महासागर में अधिक पाए जाते हैं। और कल का प्रश्न, कल मैंने प्रश्न पूछा था हाल ही में किसे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में WHO का क्षेत्रीय निदेशक पुनः चुना गया है, तो इसका आंसर है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को और लगभग सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। और आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक चुना गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।